हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं इस गाने का पार्ट टू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैंने अभी म्यूजिक आपको बजाकर दिखाया है। आप गाने को समझ ही गए होंगे। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक डगर चाहिए, ठीक है। इस गाने का पार्ट वन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और ये हमारा पार्ट टू है, ठीक है। तो पार्ट वन में हमने आपको इसका शुरू का म्यूजिक और स्थाई बताया था और इस पार्ट में हम आपको इसका अंतरा बताएंगे और आगे का म्यूजिक, ओके। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें, जिस प्रकार आपने पार्ट वन को प्रैक्टिस किया है ठीक उसी प्रकार इसको भी प्रैक्टिस करें, ताकि आप अच्छा कर सकें, अच्छे कलाकार बन सकें और इस गाने को आराम से बजा सकें। और अगर आप वीडियो सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, मैं ऑनलाइन ही सिखाता हूं और आप ऑनलाइन ही बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। कोई भी गीत आप बजाना चाहते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल तरीका से सीख सकते हैं। क्लासिकल, बॉलीवुड सॉन्ग, हारमोनियम, तबला, ढोलक, कुछ भी आप सीखना चाहें सब कुछ सीख सकते हैं घर बैठे ही, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा जो गीत है ये फर्स्ट पार्ट जो था वो कहाँ पे ख़त्म हुआ था। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, यहाँ पे हमारा लास्ट में एंड हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा यही म्यूजिक आ जाता है जो मैंने अभी आपको बजा कर दिखाया है। इस म्यूजिक का सरगम मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, तो इस पार्ट में मैं उसका म्यूजिक नहीं बताऊंगा सरगम। इस पार्ट में मैं अंतरा से शुरू करूंगा। है सर पे हमारे खुला आसमां, यहाँ से है सर पे हमारे खुला आसमां। तो आइए इसका सरगम देखते हैं। सबसे पहले है सर पे हमारे खुला आसमां, है सर पे शुद्ध गा यहाँ पे लगेगा, है सर पे हमारे है। एक एक सरगम को आप समझे, मैं बहुत ही स्लो में बताऊंगा, आप चाहें तो डायरी ले लें साथ में लिख लें। है सर पे तीन बार गा, है सर पे और हमारे गा गारे रेसा, हमारे गा गारे रेसा। उसके बाद खुला खुला सासनी, खुला सासनी, खुला सासनी, आस 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 मेरे माँ माँ, आस माँ मेरे रे मा गा, खुला आसमा, ठीक है। मैंने इसीलिए मैं एक एक वर्ड का कई कई बार सरगम बताता हूँ, ताकि अगर आप लिख भी रहे हो तो आराम से लिख लें। आस माँ खुला खुला आसमां, खुला आसमां, ये दो बार आएगा। आस आसमां खुला आसमां, गा गा मा गा रे रे सा, और ये लाइन हमारी दो बार आएगी। है सर पे हमारे खुला आसमां, है सर पे हमारे खुला आसमां, ठीक है। ये रवि साहब गाते हैं। उसके बाद में जो लता जी की आवाज है वो है हमारे लिए है यही आशियां। इसमें भी हमारा लगभग सेम सरगम लगता है। हमारे गा 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 लिए
गा रे रे सा यही यही ससने यही आसिया यही आसिया ससने सारे रे मगा यही आसिया गा गे सा वही सरगम पहली लाइन वाला ठीक है। ये दोनों लाइनें जब बज जाती हैं उसके बाद में आता है बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं। अब इस लाइन को देख बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं इसका सरगम बिना सासा बिना सासा प्यार के सानी सा निधा प्यार के सानी सा निधा जिंदगी जिंदगी धानी रे कुछ नहीं कुछ नहीं रे 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 सा कुछ नहीं रे 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 सा बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं। ये भी हमारा दो बार आएगा और उसके बाद में जो लाइन आएगी वो होगी जहाँ प्यार है हर खुशी है वहाँ जहाँ प्यार है हर खुशी है वहाँ जहाँ प्यार है हर खुशी है वहाँ इसका सरगम क्या होगा जहाँ मामा प्यार जहाँ प्यार है मामा मामा गारे हर खुशी है वहाँ हर रे खुश हर खुशी हर जो है वो आएगा हमारा रे पे और खुशी खुशी रे मा गा है वहाँ रे सा सा हर खुशी है वहाँ। उसके बाद में आती है लाइन हो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी हो फूलों भरी चाहे चाहे हो फूलों भरी चाहे चाहे इन पूरी लाइन में हमारा सा लगता है और वो भी लगता है हो फूलों भरी चाहे चाहे नौ बार हो फूलों भरी चाहे चाहे हो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों तो हो फूलों भरी चाहे चाहे इसमें सब में सा लगेगा ठीक है। ये आप ध्यान रखना आप लिख लीजिए नौ बार सा लगता है हो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी कांटों निधा नीरे कांटों निधा नीरे भरी हो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी ठीक है। उसके बाद में चले जिस पे तू वो डगर चाहिए हो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी चले जिस पे तू वो डगर चाहिए चले जिस पे तू चले मामा जिस पे मामा तू गारे वो रे डगर रे मागा चाहिए रे सासा फिर से देखें आप चले जिस पे तू मामा मामा गारे वो डगर रे रे मागा चाहिए रे सा सा सा
और इतना बजने के बाद में चले जिस पे तू वो डगर चाहिए, फिर हमारी पहली लाइन आ जाती है, दीवाने हैं दीवानों को नगर चाहिए, नगर चाहिए, मोहब्बत भरी एक डगर चाहिए। इतना हमारा बजने के बाद में फिर हमारा आ जाता है अगला म्यूजिक। वो अगला म्यूजिक और अगला अंतरा मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इतनी को अच्छे से प्रैक्टिस करें, फर्स्ट पार्ट को जरूर प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, जब आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को ऊपर देखें तो एक कार्ड का निशान बना होता है, गोल बना होता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें मैं करीब 3-4 वीडियो लगा देता हूँ, और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर उसमें नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।